बहुत बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जन्म मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र के अंतर्गत वाल्मीकि बस्ती में उस समय हड़कंप मच गया जब 32 वर्षीय मनीष कुमार ने अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। पूरे मामले में जानकारी देते हुए मृतक युवक के परिजनों ने बताया कि 10 से 12 साल पूर्व मनीष कुमार की शादी हाईवे थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमर कॉलोनी की रहने वाली बबीता से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था और दोनों के 3 बच्चे हुए थे, लेकिन कुछ समय बाद से बबीता ने मनीष कुमार के गृह कलेश के शुरू कर दी। अभी कुछ दिन पूर्व बबीता अपने घर चली गई। वहीं जब मनीष कुमार बबीता को लेने के लिए ससुराल पहुंचा तो वहां पर मनीष कुमार के साथ मारपीट कर दी गई, जिससे आहत होकर मनीष कुमार अपने घर आया और उसने संदिग्ध प्रक्रिया में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। घटना की जानकारी लगते ही सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर घटना की जाँच शुरू कर दी है। जी, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? गोवर्धन 10 वाल्मीकि बस्ती जी, मथुरा जी। क्या घटना हुई है? सर, मेरा भतीजा भाई का लड़का अपने फांसी लगा लिया अपनी घरवाली के चक्कर में। क्या नाम था उसका? मनीष कुमार। मनीष कुमार, हाँ जी। क्या उम्र रही होगी? 32 का। तो किस तरह लगाई है? घर में कोई कलेश वगैरह था क्या? उसकी था घरवाली का, उसका कलेश चल रहा था, वो आ नहीं रही थी 4-5 महीने से। वो अपने साड़ू के घर पर रहती है। अच्छा, तो मायका कहाँ पे? मथुरा अमर कॉलोनी में। शादी को कितने साल हो गए? 10-12 साल हुआ है। अच्छा, बच्चे भी हैं? 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की सर। तो किस बात पे विवाद चल रहा था इनमें? वो आ नहीं रही थी, कहता है कि मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी, 3 बच्चे हो गए, अब कहती है मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती। तो ये परसों गया था अपने ससुराल। अब पता नहीं उन लोगों ने इसके साथ क्या किया क्या नहीं किया है। उसमें आके इसने तभी से टेंशन में था, बहुत ज़्यादा टेंशन में, किसी से बोलता भी नहीं था बस्ती में भी ना, किसी लड़कों के पास बैठता था नेक का तो फिर चला जाता। हम उसके सामने ही रहते हैं, लेकिन हमको नहीं पता कब आता और कब जाता था। तो किस तरह मौत हुई है उसकी? फांसी लगा ली थी फंदे कमरे में, कमरे में, कमरे में पंखे से लटक के, पंखे की हुक से। तो पुलिस आई थी मौके पे? नहीं, हम पुलिस को बुलाने गए थे। बुलाने गए थे, पुलिस आ गई थी ना मौके पे? बाद में आई थी पुलिस, उसी ने पोस्टमार्टम भेज दिया है ना। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयां, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्लोर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।